फाइनली दोस्तों बेस के लिए जो स्पीकर ऑर्डर किया था वो फाइनली आ चुका है। आज उसका अनबॉक्सिंग करेंगे, कितने वाट का है, कौन सा स्पीकर है, सारा चीज़ डिटेल में बताऊंगा दोस्तों। आज उसका अनबॉक्सिंग करेंगे क्योंकि घर वाले लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है उसका अनबॉक्सिंग करने के लिए। आज उसका अनबॉक्सिंग करेंगे और कितने प्राइस का है सारा चीज़ डिटेल में बताऊंगा दोस्तों। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो बने रही वीडियो में एंड तक। बट आगे बढ़ने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास वाले बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर ऑल पे सेलेक्ट कर देना है। इससे क्या होगा कि जब भी वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। तो चलिए गाइस बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट दोस्तों। यहाँ पे जो स्पीकर ऑर्डर किया था वो 2000 वाट का है दोस्तों, स्वीटन की ओर से। तो आप देख सकते हो उसको चलाने के लिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये जाइफर का 2 एम्पलीफायर ऑर्डर किया था, वो भी आ चुका है। वो 8 बेस को चलाएगा दोस्तों, आप देख सकते हो Z8 है, जाइफर Z8 है। इसका अनबॉक्सिंग मैं कर चुका हूँ, आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हो तो मेरे चैनल पर जाइए, फटाक से उस वीडियो को तुरंत जाकर देख लीजिए दोस्तों। मैं प्राइस के साथ बताया हूँ, वहाँ पे प्राइस है दोस्तों, आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो। अपने चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ उसका अनबॉक्सिंग, तो आप जाकर आप देख सकते हो दोस्तों। तो अब ये स्पीकर को चलाने के लिए उसके इम्पोर्टेंट भी होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो आप देख सकते हो ये केबल है स्पीकर में लगाएंगे, एकदम प्योर कॉपर का है दोस्तों। आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो कॉपर का लेयर आप देख सकते हो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा मोटा है, इसलिए इसमें बेस बहुत ज़्यादा आएगा। इसलिए ये पूरे बंडल को मैं ख़रीद लिया हूँ, आप देख सकते हो ये पूरा बंडल है। तो ये मेरे को 4000 इसका प्राइस पड़ा है दोस्तों, आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा मोटा है। बेस चलाने के लिए ये स्पीकर में काम करेगा दोस्तों, उसके लिए मैं आप देख सकते हो यहाँ पे स्पीकर सॉकेट है, ये भी काफ़ी ब्रांडेड है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा हैवी मटेरियल लगा गया इसमें। तो ये स्पीकर सॉकेट है, आप देख सकते हो ये इस तरह से काफ़ी ज़्यादा फ्री है दोस्तों। ये देख सकते हो ये अंदर में जब बेस पड़ता है तो ये जल जाता है, तो ऐसा इसमें शिकायत नहीं आएगा बोला है दुकान वाले, ये ऐसा बोला है दोस्तों। आप देख सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा हैवी मटेरियल से बना गया है, तो ये जैसे लोकल आप मार्केट से ख़रीदोगे तो ये इसमें प्लास्टिक का लगा रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये थोड़ा सा स्टील बॉडी है दोस्तों, एल्यूमिनियम बॉडी। तो आप इसको स्पीकर सॉकेट को आप देख सकते हो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा हैवी क्वालिटी का बना है। ये आप देख सकते हो ये इस तरह से मैं 10 पीस ख़रीदा हूँ, 8 बेस के लिए, 8 स्पीकर के लिए। तो ये देख सकते हो ये पूरा पैकेटिंग है। तो आप भी ख़रीदना चाहते हो तो आप अच्छे से दुकान पे जाकर ब्रांड ही ख़रीदें, लोकल के चक्कर में ना पड़े दोस्तों, क्योंकि एक दो बार चलाने के बाद वो जल जाता है। तो आप थोड़ा से हैवी मटेरियल यूज करो ताकि अच्छे से आउटपुट देगा आपका स्पीकर। तो ये इस तरह से काफ़ी ज़्यादा हैवी फुल है ये केबल, एक बार और आप देख सकते हो बहुत ही हैवी क्वालिटी का है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्पीकर सॉकेट भी पूरा लाया हूँ दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी देने वाला है स्पीकर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा दोस्तों, पूरे झुंड में अनबॉक्सिंग करेंगे क्योंकि घर वाले लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। स्वीटन 18 इंच PT 2000 सब वूफर लाउड स्पीकर, एटम्स 2000 वाट एम्पिडेंस, ये 8 पीस आप देख सकते हो, ऊपर एक और 3 3 नीचे में 6 7 1 8, ये इसका कैबिनेट। बाहर से आए हैं ना, धक्का मार लगा के बंद है जाओ। ये रहा स्पीकर, छोड़ छोड़ रहे हटा रहे पॉलीथिन को पॉलिस। धक्का मार
पूरा बाहर निकाल उठा बहुत ज्यादा उठा, बहुत भारी है ना। उठा 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 उठा, चलो सुखदेव उठा, उठाओ आराम से आराम से आराम से आराम से, बहुत भारी है। इधर हाँ इधर खाली खोल बस फिर देखना। नीचे नीचे रुक 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 जा, मत जितना रे आराम से ऐसे खोली फोर मैग्नेट वाला चिप चिप कर दो।